उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे का सियासी मतलब बहुत जरूरी है समझना। वो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में बने रहना चाहते हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से विधायक बनने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट से भी इस्तीफा दिया था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद खुद संभाला था। चाचा शिवपाल के साथ आने के बाद नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर कयासबाजी शुरू हुई, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके आजमगढ़ अथवा कन्नौज से मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और उन्होंने इन तमाम तरीके की अटकलें और संभावनाओं पर विराम लगा दिया। हालांकि इसके पीछे रणनीति बताई जा रही है। वरिष्ठ राजनीतिक जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव न लड़कर अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वो एक लोकसभा सीट पर खुद को बांधने के बजाय पूरे प्रदेश में चुनावी दौरे कर सकेंगे अब जब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ जनता के बीच मौजूद रहने का जो एक संदेश है, एक मैसेज है, वो देने की कोशिश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री की तरह कई अधिकार होते हैं। प्रदेश की सियासत के आधार पर नेता प्रतिपक्ष का पद अहम माना जाता है, जबकि सांसद के पास निधि और कुछ विशेषाधिकार होते हैं। अखिलेश यादव के कन्नौज से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारकर पार्टी के अंदर किसी तरह के विरोध को उभरने से भी रोक दिया है। कन्नौज से पहले डिंपल यादव सांसद थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव लड़ी, जहां से वो जीती भी। यहां से तेज प्रताप सांसद रह चुके हैं। ऐसे में मैनपुरी के बदले कन्नौज देकर उन्होंने पारिवारिक एकजुटता का भी जो मैसेज था वो भी दिया है। तेज प्रताप राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। सपा से बगावत करने वाले हरिओम के नाती भी हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को पहले ही उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। इन सीटों पर परिवार से इतर किसी उम्मीदवार के उतारने की आशंका भीतरघात कर सकती थी, इसलिए उन्होंने यह नहीं किया। अखिलेश ने साल 2000 में राजनीति में सीधे एंट्री की थी। 24 साल के राजनीतिक सफर में यह दूसरी बार होगा जब वो चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे। सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि चुनाव प्रचार पर पूरी तरह फोकस करने के लिए अखिलेश ने खुद को उम्मीदवारी से दूर किया है। टिकट वितरण के बाद चुनाव प्रबंधन और उम्मीदवारी में भी अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह यादव से अलग रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि बीजेपी को लोकसभा के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में हराने के लिए भी इस बार सपा अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो जनता के बीच रहना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। किसी नेता का चुनाव न लड़ना पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा होता है। अब जरा ये समझिए कि लोकसभा चुनाव से अखिलेश यादव ने आखिर दूरी बनाई क्यों। अखिलेश यादव सपा के सर्वे सर्वा हैं, एकमात्र चेहरा हैं, स्टार प्रचारक हैं। वो अपना फोकस पार्टी की उम्मीदवारी वाली सभी लोकसभा सीटों पर रखना चाहते हैं। उम्मीदवार बनने के बाद उन्हें अपनी सीट पर अधिक समय देना पड़ता। वजह यह भी है कि कभी गढ़ रहा कन्नौज पिछले एक दशक से सपा के लिए मुश्किल रण में बदल चुका है। 2014 में डिंपल यादव यहां मामूली अंतर से जीती थी। 2019 में सपा बसपा गठबंधन हार गई थी, इसलिए महज पर्चा भरकर अन्य क्षेत्रों में निकल जाने का खतरा अखिलेश नहीं उठा सकते, खासतौर से इस वक्त। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश फिलहाल दिल्ली की राजनीति में अपने लिए मजबूत भविष्य न देखकर यूपी में ही फोकस बनाए रखना चाहते हैं। 2022 में सपा गठबंधन को लगभग 37% वोट मिले थे, इसलिए अखिलेश ने यूपी की जमीन को और पुख्ता करने के लिए विधानसभा में ही रहने का फैसला किया है। लोकसभा से दूरी 2027 की संभावनाओं और तैयारियों का विस्तार माना जा रहा है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि कन्नौज सीट को लेकर ढेरों चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं कि हो सकता हो कन्नौज की जनता की जो डिमांड है उस पर अखिलेश यादव दोबारा सोच सके, लेकिन फिलहाल खबरें यही है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से दूर रहेंगे। लेकिन राजनीति में संभावनाएं, आशंकाएं, इस तरीके के शब्द जो है बहुत प्रभावी रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो संभावना तो अभी भी है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी की जो रणनीति है, जो उनके बड़े नेता हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि वो यूपी में अपनी मजबूत नेता प्रतिपक्ष के रूप में पकड़ चाहते हैं, मजबूत छवि चाहते हैं, इसलिए वो लोकसभा चुनाव से दूर रह रहे हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।